ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है कलन है, आज के वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाना होगा इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ डायग्राम पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस जो हमारी वीडियो है इसमें मैं थोड़ा सा मतलब कि जो मैं आपको जो मुझे बताऊं मानूं उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। एंड आपको एक एक चीज को ध्यान से देखना है कि गाइस मैं क्या चीज में कब बता रहा हूं एंड आपको कैसे करना है। तो आप लोग मुझे ध्यान से देखना तभी आप लोग इस चीज को करेक्ट कर पाओगे। आप लोग बस वीडियो को कंप्लीट देखना भाई। गाइस वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस फोटो एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो गाइस आप लोग मेरे को Instagram में आकर डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। वहां पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे वहां पे बताना, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा Instagram का, तो गाइस एक बार चेक आउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस वीडियो को मेरा के फिर बात के स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग को जो है बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यार बैकग्राउंड जो मैंने काफी मेहनत से बनाया था, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस आप अगर आपको करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में, यहां से ऐड करना आपको के मॉडल को। ठीक है, यहां पे गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज करा है, एंड जिसको इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो को जाकर देख लेना। अब गाइस देखिए यहां पे आपको जो मॉडल है आपको उसकी ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि जो आपका मॉडल है उसका हैंड जो है जो हमारे बैकग्राउंड के जो मॉडल है उसके हैंड के पास टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस आपको ये ओपेसिटी कम करके ज्यादा करके चेक करना है। एंड जब आपको मिलेगी वहाँ पे जो हमारा मॉडल का जो हैंड है वो दूसरे मॉडल के हाथ में आ चुका है, तो अब उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जैसे गाइस देखिए यहाँ पे जो है मैंने अब यहाँ पे अच्छे से मैंने नहीं पढ़ाई किया मतलब कहाँ पे मॉडल का हैंड जाएगा। तो पहले तो मैं गाइस इसकी जो शेडो है मैं उसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए एडजस्ट हो जाएंगे जो उसकी शेडो को बढ़ाएंगे, क्योंकि फोटो में शेडो बढ़ाना जरूरी है, शेडो कुछ ज्यादा ही है। तो अब डन करते हैं। अब गाइस जाएंगे हम इरेजर टूल में, फिर यहाँ से इरेजर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हार्डनेस वगैरह फुल करके जो गाइस ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले मैं इसको इरेज करूंगा। ये जो दूसरा मॉडल है हमारा क्लिक करवा रखी है मिलवाई, तो उसको मैं पहले फटाफट इरेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हैंड देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारा जो हैंड है मॉडल का दूसरा, तो उसको जो हमें दूसरे मॉडल के हैंड में देना है, तो उसके लिए आपको देखिएगा इसको जिस टाइप के पहले तो अपने जो आपकी जो हैंड है उसको पहले प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से एकदम यहाँ से जो रिमूव कर लेना है अच्छे तरीके से। जैसे गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो आप लोग एकदम आराम से करना, टाइम देखें। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा था इसलिए गाइस आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा, तो आप लोग जो है मतलब आराम से करना एकदम अच्छे तरीके से। तो बस मैं फटाफट करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। जब यहाँ पे लगे कि यहाँ पे जो मॉडल का हैंड है उस मॉडल का आ चुका है, तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से रख देना अपने मॉडल का एंड उसके बाद जो आप उस टाइम पे कम कर चेक करना है एंड एकदम परफेक्ट है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो अभी हम इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे गाइस हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है जो इसका हल्का से यहाँ पे कम कर लेते हैं। ठीक है, एंड जो यहाँ पे जैसे कि सैचुरेशन है, तो फोटो में सैचुरेशन तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है मॉडल के ऊपर, तो हम यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम आप इतना कर लेंगे यहाँ से अराउंड 79 तक रखते हैं एंड उसके बाद करते हैं डन। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हमने कर लिया है। अब गाइस इसमें आपको एक ब्लर का पीएनजी ऐड करना है, जो कि गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस कुछ स्टेप से आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है, एंड फुल साइज करके भी रख सकते हो, बट फुल साइज करके आप रखोगे तो गाइस जो है मतलब थोड़ा काफी बड़ा हो जाएगा, तो बट आप लोगों को जो साइज कुछ इतना ही रखना है। ठीक है, इतना रख देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी को जो है सिंपली जो डन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप डन कर सकते हो फोटो को। ठीक है, आपको चेंजेस करने की जरूरत है नहीं हमें, तो अब यहाँ पे जो हमने इसको लगा लिया तो इसको हम डन करते हैं। अब गाइस इसके बाद जो आपको जाना ऐड फोटो में अगेन एंड यहाँ से आप सभी करना है विगनेट का पीएनजी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो डाउनलोड कर लेना आप। तो उसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड कुछ स्टेप से जो है हम इसके यहाँ पे फुल स्क्रीन करके रख लेते हैं, इसकी ओपेसिटी अराउंड 80 रख के यहाँ पे कर देते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है आपको फिर क्या करना है, अब गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेडो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ आपको मिल जाएगी एक ब्लैक कलर की शीट, आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन करना है एंड जाना इरेजर टूल में इन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको ब्रश लेना है एंड उसके बाद जो आपको फोटो को जूम करके यहाँ पे गाइस शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको इस तरीके से शेडो बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से शेडो बनानी आती तो गाइस आप उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मैटर नहीं करता गाइस आप शेडो किस तरीके से बना रहे हो, मैटर करता गाइस कि आपकी फोटो में शेडो होनी चाहिए। ठीक है, तो बट आप कैसे बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके इसमें शेडो होनी चाहिए।
फिर गाइस इतना हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पे ऑपोजिट हार्डनेस फुल कर लेना है, जो मतलब कि यहाँ पे जो ज़्यादा पेंट हो गया उसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि हैंड पे ज़्यादा पहुँच गया तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब गाइस देखिए इतना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद जो आपको अपनी फोटो यहाँ पर डन कर देना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम में, क्योंकि बिना रिटच के हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो गाइस चलते हैं इस वाले लाइट वाला ऑप्शन में एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। एंड जो गाइस नीचे आपको व्हाइट मिल दिख रहा होगा गाइस आपको क्या करना है, अगर आपकी फोटो में व्हाइटनेस ज़्यादा है तो आपको उसको बढ़ा देना है एंड कम है तो उसको कम कर देना है। फिर जो ब्लैक है गाइस इसको यहाँ पे कम कर देना है एंड जाना आपको कलर्स में। फिर आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको गाइस जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा माइनस करना है एंड गाइस उसके बाद आपको ल्यूमिनस हल्का सा बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लेना येलो कलर, आपको इसका सैचुरेशन जो है माइनस कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर जाना डार्क ब्लू में। अगर आपको अपनी फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, बट गाइस मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर दूंगा इसको एंड उसके बाद कर दूंगा यहाँ पे डन। अब गाइस जितना हो जाने के बाद आपको जाना है नीचे वाला टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है गाइस आपको वो डाल देना है अपने अकॉर्डिंग। देन आपको हमें ग्रे माउंट आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मेरे आपको कलर रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।